हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्डिम। आज फिर से एक बार राजनवन इंडस्ट्री लिमिटेड इस कंपनी का मेरा वीडियो है। और लास्ट जो ट्रेडिंग हुआ था 22 जून 2020 मंडे में, उसके बाद से जो ट्रेडिंग विंडो बंद है। हर जगह आपको जो प्राइस है ब्लैक कलर में दिखाई पड़ेगा, तो क्यों अचानक बंद हुआ है? और इन्वेस्टर लोग का जो कंसर्न है, जो ये स्टॉक प्राइस का सच में डीलिस्टिंग हो गया कि नहीं, उसी कंसर्न को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको सच पता चले कि ये स्टॉक प्राइस जो है सच में क्या डीलिस्टिंग हुआ कि नहीं है। तो चलिए मेरे साथ बने रहे, एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको पूरा के पूरा क्लियरिटी मिल सके। तो आप देखिए, मैं आ गया हूँ मोबाइल में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है www.bscindia.com, और ये जो लिखा है राजनवन इंडस्ट्री लिमिटेड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए, राजनवन इंडस्ट्री लिमिटेड जो BSE का कोड है 53069, और यहाँ पे प्राइस भी देखिए रेड कलर का है, 23 पैसा दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि रेड कलर में ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ GSM। ये जो GSM जो है, ये ट्रेडिंग का बजाय से इसका ट्रेडिंग विंडो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में चला गया है। ऐसा नहीं है कि जो कंसर्न था मार्केट पे कि इसका जो स्टॉक प्राइस बोलिए या कंपनी बोलिए जो डीलिस्टेड हो गया है, ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग का देखना है कि अकाउंट ऑफ GSM जो बोला है तो इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि GSM स्टेज 4। तो ये स्टेज 4 जो है, इस स्टेज 4 में क्या रूल्स है वो भी हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए आ गया हूँ BSE, जो यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिए GSM का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं पहले से ही। गेडेड सर्विलियंस मेजर्स शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये है इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट दिए, 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारे पॉइंट दिया है। तो आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट जो है पढ़ लीजिएगा। मैं एक तो पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ, जो एक नंबर जो पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सिक्योरिटी शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिस्ट शैल बी पीरियोडिकली रिव्यूड एंड पब्लिश्ड बाई द एक्सचेंज इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर्स। अब ये 3 नंबर पॉइंट वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। आइडेंटिफिकेशन रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ गेटेड सर्विलियंस मेजर शैल बी कैरिड आउट एवरी क्वार्टर। और पॉइंट 4 जो है वो भी देख लीजिए। इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग सर्विलियंस एक्शन बीइंग इम्पोस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट मे बी नोटेड दैट दिस सिक्योरिटीज शैल बी मॉनिटरेड फॉर द प्राइस मूवमेंट एंड बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया शैल बी अट्रैक्ट फॉलोइंग एडिशनल गेटेड सर्विलियन मेजर्स। अब आते हैं स्टेज सर्विलियन एक्शन जो होता है, इसको मैं भी अंडरलाइन कर देता हूँ। एक है देखिए 1, 2, 3, 4 जो हम लोग का एक जो राजनवन इंडस्ट्री में जो स्टेज 4 में है वो ए वाला पॉइंट में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए वाला पॉइंट में है। तो ए पॉइंट में आने से पहले 1, 2, 3 को भी पढ़ लेना जरूरी है। ट्रांसफर टू ट्रेड विथ प्राइस बैंड 5% लोअर एज एप्लीकेबल। आप 2 नंबर पॉइंट जो है, ट्रेड टू ट्रेड विथ प्राइस बैंड 5% और लोअर एज एप्लीकेबल एंड एडिशनल सर्विलियंस डिपॉजिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ASD, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑफ 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स। तो अब आते हैं 3rd पॉइंट में। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ अंडरलाइन करके। ट्रेडिंग परमिटेड वंस ए वीक ट्रेडिंग एंड ASD 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिट बाय द बायर्स एवरी मंडे। अब आते जो स्टेज 4 जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो देखिए। ट्रेडिंग परमिटेड वंस ए वीक ट्रेडिंग विथ ASD 200% ऑफ ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड बाय द बायर्स एवरी मंडे। और 5th जो पॉइंट है वो भी देख लीजिए, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रेडिंग परमिटेड वंस ए मंथ ट्रेडिंग विथ ASD 200% ऑफ ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड बाय द बायर्स फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ। और लास्ट जो पॉइंट है, जो 6 नंबर पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं मैं अंडरलाइन किया हूँ। ट्रेडिंग परमिटेड वंस ए मंथ विथ नो अपवर्ड मूवमेंट इन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विथ ASD 200% ऑफ ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड बाय द बायर्स फर्स्ट मंडे टू बी ऑफ द मंथ। तो ये था 6th पॉइंट जो हम लोग का अभी है 4 नंबर पॉइंट में। तो ये 4 नंबर पॉइंट का हम लोग समझ लेते हैं। ट्रेडिंग परमिटेड वंस ए वीक ट्रेडिंग विथ ASD 200%, तो 200% जो है, जो इसका ASD जो फुल फॉर्म में जो एडिशनल सर्विलियंस डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा ट्रेड वैल्यू के ऊपर, और डिपॉजिट बाय द बायर्स फॉर एवरी मंडे। एवरी मंडे जो है ये ट्रेडिंग मंडे जो है आपको खुला गया, और वहाँ पर आपको जो 200% जो है आपको वहाँ पर डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, पांच नंबर पॉइंट जो है, जो रिव्यू ऑफ गाइडेड हैबिलियंस मेजर्स फॉर रिलैक्सेशन, ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ए पीओडी रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी अंडर जीएसएम फ्रेमवर्क टू एक्सेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्विलियंस एक्शन इफ एनी सेल बी कैरिड आउट ऑन द क्वार्टरली बेसिस। द रिव्यू सेल be done based on the objective criteria and only security under stage 2 onwards shall be eligible for the quarterly review. For example, a company in stage 3 of GSM can be moved back to stage 2 if qualified based on the set objective criteria. So, yahan pe अपर स्टेज जो है उसमें भी जा सकता है अगर उस जो क्राइटेरिया उसको अगर क्वालिफाई करता है तब। तो ये था उसमें आपका पूरा का पूरा जो पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाया हूँ और ये चीज में एक बार दिखा बोलने का कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, नीचे में तीन जो डॉट है, ये जो डॉट आप देख पा रहे हैं, ये डॉट को आप अगर क्लिक करते आप अगर ये जो यहाँ पे मैसेज दिया है, जो यहाँ पे जो फॉर्म जो है इसको जितना चाहते हैं तो आप पढ़ना पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करने का तो बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे निकल जाएगा, जो लैंग्वेज आपको पसंद है आप और लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अगर हिंदी सिलेक्ट करूं तो वो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, एक्चुअली लैंग्वेज नहीं ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हिंदी कहाँ गया, ओ अच्छा हिंदी में पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ, बल्कि हिंदी यहाँ पे जब मैं हिंदी में क्लिक करता हूँ तब देखिए यहाँ पे हिंदी में जो है ट्रांसलेट हो गया। तो आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये है आपका पूरा के पूरा जो अपडेट जो है मैं आपको देने का कोशिश किया हूँ, जो आपका जो है ये जो ट्रेडिंग विंडो है राजरेवन इंडस्ट्री का वो किन सा हालत में है। तो ये डी लिस्टेड न्यू है, एक्चुअली अंडर जीएसएम स्टेज 4 में चला गया है, जो इसका मोड है रिस्ट्रिक्टेड मोड में है। तो ये था मोड़ा, तो ये था मेरा पूरा अपडेट वीडियो इस कंपनी के ऊपर। आगे भी अगर अपडेट आता रहेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाई।